Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum students. Progressive Model School, Main Campus, Class 5, Subject is Science, Part 1. Okay students, we are going to start our unit number 3, Matter. इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे, मुख्तलिफ पार्टिकल्स के बारे में, सब्सटेंसेस के बारे में, और सब्सटेंसेस की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें वो आता है पार्टिकल्स का. जी, तो सबसे पहले व्हाट इज़ अ पार्टिकल, ठीक है, या व्हाट आर पार्टिकल्स. पार्टिकल्स क्या होते हैं? अ पार्टिकल इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ के जो छोटा, सबसे छोटा हिस्सा होता है, ऐसे जो छोटे पीसेस होते हैं किसी भी चीज़ के, वो पार्टिकल्स कहलाते हैं. ऑल द सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, तमाम जो सब्सटेंसेस होते हैं वो बहुत छोटे पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं. इसकी एग्जाम्पल आपको मैं ऐसे दे सकती हूँ कि अगर आपके पास एक क्रियोन हो, ठीक है, और आप उस क्रियोन को किसी पेपर की सरफेस पर रब करते रहें, ठीक है, तो जब आप उसको कुछ देर लिए रब करते रहेंगे तो आफ्टर रबिंग आप देखेंगे कि वो क्रियोन जो है वो एक तरफ से उसकी जो टिप है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, ठीक है, तो जो उस टिप की जो शेप होती है वो फ्लैट हो जाती है. क्यों? क्योंकि जो उस टिप के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसकी रबिंग की, जब उसको रब किया जा रहा होता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो उससे अलग हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्रियोन की जो टिप होती है वो एक फ्लैट शेप में आपको नज़र आने लग पड़ती है, ठीक है. इसी तरह अगर आप, फॉर एग्जांपल, आपके पास एक रेज़र है, ठीक है, तो आप उसको जब किसी पेपर के ऊपर उसको आप रेज़र से रब करते रहे तो आपको छोटे छोटे से उस रेज़र के पीसेस होते हुए नज़र आएंगे, ठीक है, जो आपको अपने आपके पेपर के ऊपर फील भी होंगे, ठीक है, तो वो भी उस रेज़र के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है. यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू ये पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो पार्टिकल किसी भी चीज़ के छोटे पीसेस को पार्टिकल्स कहा जाता है. अच्छा, अब कुछ चीज़ों के जो पार्टिकल्स होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, तो हम उनके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, ठीक है. अब जो पार्टिकल्स, जो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो बहुत टाइनी पार्टिकल से मेड अप होते हैं, ठीक है, तो जो कि हमारी आइज़ को नज़र नहीं आते, तो वो पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? वो पार्टिकल्स एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है. कुछ चीज़ों के, कुछ सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स हमें नज़र आ जाते हैं और कुछ के पार्टिकल्स हमें नज़र नहीं आते. ये डिपेंड करता है आपके सब्सटेंसेस पर, आपकी चीज़ों पर, ठीक है, कि पार्टिकल्स आपको शो होंगे या नहीं होंगे, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास जी सब्सटेंसेस. आ सब्सटेंसेस इज बेटर विच हैज़ अ स्पेसिफिक कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी. ओके जी, व्हाट इज सब्सटेंस? अ सब्सटेंस इज मैटर विच हैज़ अ स्पेसिफिक कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज. सब्सटेंस वो मैटर होता है जिसकी अपनी स्पेसिफिक कंपोजिशन होती है और अपनी ही स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है, और हर सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से डिफरेंट होता है, ठीक है. यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस एक ऐसा मैटर है जिसकी कंपोजिशन, यानी जिसकी तरतीब, जिसको बनाने का तरीका, अंदाज और उसकी प्रॉपर्टीज़ दूसरे सब्सटेंस से डिफरेंट होती है, ठीक है, या दूसरे मैटर से डिफरेंट होती हैं. देन वी हैव टॉपिक एटम. एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ एन एलिमेंट. एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा कंपोनेंट होता है, करेक्टराइज्ड बाय अ शेयरिंग ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट, जो कि एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की शेयरिंग से तरतीब पाता है या वजूद में आता है. एंड अ न्यूक्लियस, और जिसके पास एक न्यूक्लियस होता है, और एक न्यूक्लियस से वो करेक्टराइज्ड होता है जिसमें न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है. जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है. तो एन एटम इज़ द डिफाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिमेंट, यानी भी किसी भी एलिमेंट का जो डिफाइनिंग स्ट्रक्चर होता है वो एटम पर
किसी भी एलिमेंट को जो डिफाइन कर रहा होता है वो उसका एटम डिफाइन कर रहा होता है, और इस एटम का क्या होता है, जो एटम होता है कैन नॉट बी ब्रोकन बाय एनी केमिकल, मींस ये एटम किसी भी केमिकल के मेथड से, किसी भी केमिकल से इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। जो टिपिकल एटम होता है वो कॉन्सिस्ट होता है न्यूक्लियस पर, ठीक है। मैंने आपको भी बताया है कि एक एटम, टिपिकल एटम न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है जिसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अच्छा, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, और उसी न्यूट्रॉन्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स भी उसके ऑर्बिट, उसके ऑर्बिट में, उस न्यूक्लियस के ऑर्बिट में होते हैं, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास फर्दर हमारे पास आपको इसकी डायग्राम नज़र आ रही है, ये एटम की डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे ये जो मिड का पॉइंट है ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक। ये आपके प्रोटॉन्स हैं, ब्लू कलर की जो बॉल्स आपको नज़र आ रही हैं ये आपके प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, अलोंग विद न्यूट्रॉन्स। इसके साथ ही आपको येलो शेप्स में ये इसके न्यूट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। किसी भी एटम के जो न्यूक्लियस में होते हैं वो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के साथ होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक दूसरे के साथ होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये आपका पार्ट न्यूक्लियस को शो कर रहा है, ठीक है। और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आपके न्यूक्लियस को के इर्द गिर्द गर्दिश करते रहते हैं, ये आपके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करते हैं, ठीक है, ये आपके वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है जी। देन वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन अ केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड दैट हैज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बाउंड। ओके जी, मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल आपके सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो कि आपके सब्सटेंस की तमाम प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा होता है। और मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस। आपके सब्सटेंस की तमाम प्रॉपर्टीज़ को जो पार्टिकल शो कर रहा होता है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एटम से बनते हैं, दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स, जो कि केमिकल बॉन्ड्स की वजह के इकट्ठे करने की वजह से एटम में जो बनते हैं वो केमिकल बॉन्ड के इकट्ठा होने से बनते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स हमारे किसी भी सब्सटेंस के वो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि उस सब्सटेंस की तमाम प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल है तो वो वाटर की तमाम प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा होगा, ठीक है। तमाम जो सब्सटेंसेस होते हैं वो मॉलिक्यूल से बनते हैं, ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, तमाम सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज आपको, नेक्स्ट ही आपको मॉलिक्यूल्स की डायग्राम नज़र आ रही है, ठीक है। ये डायग्राम आपको मॉलिक्यूल की डायग्राम है, ये आपकी बुक पे भी मौजूद है, ठीक है। और एटम की डायग्राम जो अभी आपको दिखाई थी ये आपकी एटम की डायग्राम है। ये दो डायग्राम्स आपकी इस लेक्चर से रिलेटेड है, ठीक है। हमने अब इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है, एक तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा है पार्टिकल्स के बारे में कि ठीक है व्हाट इज़ पार्टिकल्स। देन वी हैव लर्न अबाउट सब्सटेंसेस, फिर हमने एटम, एंड देन वी लर्न अबाउट मॉलिक्यूल, ठीक है। इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस यूनिट। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।